29 मार्च की रात से चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से राउरकेला स्टेशनों के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी यात्री ट्रेनें। चक्रधरपुर रेल मंडल प्रबंधक विजय कुमार साहू ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के कोरोना काल के दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा किए गए कीर्तिमान को पत्रकारों के समक्ष रखा। डीआरएम ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि 29 मार्च की रात से चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से राउरकेला स्टेशनों के बीच रफ्तार से यात्री ट्रेनें दौड़ेंगी, जबकि मंडल के आसन बनी से टाटानगर स्टेशनों के बीच यात्री ट्रेनों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। उन्होंने कहा कि मंडल के बिमलगढ़ बरसावा स्टेशनों में मालगाड़ियों की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ोतरी कर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गई है। डीआरएम ने कहा कि 2022 तक चक्रधरपुर रेल मंडल में एक भी रेलवे फाटक नहीं रहेगा। रेलवे फाटक की जगह रोड ओवरब्रिज या लो हाइट सबवे का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 25 मार्च तक मंडल में 16 रेलवे फाटक को रोड ओवरब्रिज तथा लो हाइट सबवे का निर्माण कर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है, 134 मिलियन टन लोडिंग करने का उपलब्धि। डीसीएम ने कहा कि चक्रधरपुर रेल मंडल ने वित्त वर्ष 2020-21 के 27 मार्च तक 134 मिलियन टन लोडिंग करने का उपलब्धि हासिल कर चुका है। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 के फरवरी माह के अंत तक मंडल के 123.66 मिलियन टन माल ढुलाई कर 1044.56 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कामकाज के तौर तरीके में काफी बदलाव हुआ है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल ने विषम परिस्थितियों में लोडिंग उम्दा प्रदर्शन किया है, इसको लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी शुभकामनाएं दी। जैसे आ रहे हैं ये पीरियड अभी कंटिन्यू करेगा, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि नॉट ओनली एक वर्ष, हम लोगों को अगले दो वर्ष की तैयारी करना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है और ये इन्फेक्शन रहते हुए हमें जो हमने कार्य करना सीखा है, जिसमें हमने ऑनलाइन सिस्टम्स और एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम्स पे काम करना शुरू किया है, दैट वी हैव टू कंटिन्यू। जहाँ तक लास्ट ईयर की अचीवमेंट्स की बात है, तो हमने लास्ट ईयर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ह्यूज अचीवमेंट्स हैं, जितनी भी मेंटेनेंस वर्क ओवरड्यू थे, चाहे वो ट्रैक से संबंधित थे, चाहे वो बेसिकली सिग्नल से संबंधित थे, चाहे वो वैगन्स के टर्म्स में थे, चाहे हमारे और एसेट जो हैं, सभी के ओवरड्यू मेंटेनेंस हम लोगों ने 100% ख़त्म करके रादर जो आने वाले समय में जो ड्यू होने वाले थे उनकी मेंटेनेंस पर पूरा ध्यान दिया। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा। We'll be right back.